Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसो कल्याण में उत्तर प्रदेश से आए हुए इमिग्रेंट्स लेबर परेशान। उत्तर प्रदेश से बसो कल्याण काम के लिए आए हुए लेबर लॉकडाउन के चलते काम ना होने की वजह से वो अपने घर वापस जाने के लिए परेशान हैं। एमएलए बी नारायण राव को इन लेबर के बारे में पता चलते ही इन लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुनते हुए कहा कि बसो कल्याण से आपके शहर उत्तर प्रदेश तक अपने जाति फंड से इन तमाम लेबर्स को गवर्नमेंट बस के जरिए उन्हें भेजने का भरोसा दिलाया और कहा कि आप सबको जल्द से जल्द आपके घर तक सुरक्षित भेजा जाएगा। साहब आए हैं हमारे नारायण राव साहब, एमएलए हैं हम जानते हैं क्षेत्र के, तो ये आप आए हुए हैं, आप अपनी बात भी इनके सामने रखिए, कितने दिन से हैं, कैसा है, क्या है। भैया ढाई ढाई तीन तीन महीना हो रहा है यहाँ पे, तीन तीन चार चार महीना, हम ही लोग जानते हैं, भाई को बताया सब कुछ। उत्तर प्रदेश गोरखपुर इतना बोल दो, गोरखपुर बोल दो, वहाँ से तुम जहाँ जाना है कल जाकर। बस 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 सर, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश कानपुर में उतर जाते हैं, कानपुर से थोड़ी गाड़ी जाएगी। नहीं नहीं, वो तो सही है आपकी बात, उतर जाएंगे, उतर जाएंगे, इसको जाना होगा उधर। वहाँ के जो क्या बोलेंगे यूपी में जो सरकार है वहाँ पर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की किसी रिप्रेजेंटेटिव? अरे सबको की साफ, कोई भी नहीं सुन रहा साहब उधर, तो वो हमारे वो उससे हमारे कोई लेना देना। ओ भाई हमारे मेरे वतन में मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप बस बस साहब, वहाँ पर पहुँचाना हमारा, अस्तम साहब बोले, रईस साहब बोले, तुमको पहुँचाने का मेरा फर्ज है। हम कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, सोनिया गांधी हमारा लीडर है, राहुल गांधी हमारा लीडर है, तो वही साहब उनका इज्जत रखना हमारा काम है। बस बस, हम सेकुलर पार्टी के एमएलए हैं, हमारे वतन में तुम आ रहे हैं, अरे वतन तो साथ देखिए, अपना वतन को पहुंचाने के लिए हम मंडे अभी कल सुबह इधर डिपो मैनेजर को हम अस्तम जनाब साहब रईस साहब वगैरह पूरा ये कर देते हैं, वो KSRTC बस को जो भी भरना है वो हम खुद भरते हैं और आपको जाने का सब इंतजाम कर लो। मंडे मंडे 3-4 बजे गाड़ी रेडी रहे तो आपको बस में बैठा के हरी झंडा बता देते हैं आप। अभी साहब उधर बोले तो वो लोग 3-4 स्टेट का परमिशन परमिट लेना पड़ता, 3 का महाराष्ट्र MP बीच में जितने भी स्टेट महाराष्ट्र MP पड़ता बीच में, परमिट लेना पड़ता, हम पैसा भरते हैं उन्होंने परमिट ले लेते हैं। और आप 27 जितने भी लोग वो गाड़ी में बैठने वाले हैं उनका नाम साफ दिए हैं, वो हमने साहब को दे दिया साहब, वो लिस्ट DC साहब से अप्रूव करा के KSRTC से भी उनको भी दे देते हैं कि इतने लोग आने आपके बस में जर्नी करने वाले हैं, और DC साहब को बोल के आपको ये करके यहाँ के AC साहब हैं हमारे भवर सिंह साहब, हम इनो सारे हमारे यहाँ के नेता लोग हमारे पार्टी के लोग मिलकर आपको विदाई करते हैं। अभी इन लेबर्स की परेशानियों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जाकिर अहमद ने इन लेबर से बात की, आइए जानते हैं कि लेबर्स ने क्या कहा। पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट के चलते कोई भी बस ट्रेन अब तक कोई चालू नहीं थी, लेकिन इस लॉकडाउन 3 में बसेस ट्रेन का आने जाने का, जो भी मुसाफिर हैं, जो भी लोग अटके हुए हैं अपने अपने मुकाम को वापस जाना चाहते हैं उनको वापस जाने के लिए ट्रेन का, बस का और प्राइवेट गाड़ियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। और बसो कल्याण के अंदर भी कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, यूपी के, बिहार से, इस तरह कई दूसरे राज्यों से आए हुए हैं बसो कल्याण के अंदर भी। और आइए हम देखते हैं कि हमारे पीछे जितने भी लोग हैं ये पूरे दूसरे स्टेट से आए हुए हैं बसो कल्याण के अंदर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और उनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर उनको क्या तकलीफ हुई, उनको किस बात का सामना करना पड़ा और वो किस किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमित कुमार है। आप यहाँ पे कहाँ से हैं? जी हम कानपुर UP से आए हुए हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे हम अपना दूध का काम करते थे। कितने साल से हैं यहाँ पे? हमें लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। अच्छा, तो इस लॉकडाउन में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस लॉकडाउन में यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो भी है, BJP की सरकार है, वो कुछ भी नहीं सुन रही हम लोगों की फरियाद, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लगभग 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं, एक पैसे का कमाना नहीं हो रहा है, और यहाँ के लोकल MLA साहब हैं श्री नारायण सुधाव जी, वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को भेजने के लिए, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। बाकी का जितना भी गवर्नमेंट हमारे इधर है UP का, वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं,
और यहाँ पे जिस प्रदेश में हम कर्नाटका स्टेट में रह रहे हैं वो लोग भी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो मैं हालांकि विपक्ष में अपोजिशन में है नारायण राव जी, वो हम लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो हमें उन पर फख्र होता है कि ऐसा एक नेता है जो हम लोगों के मजदूरों के बारे में सोचता है। आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे साथ में लगभग 29 लोग हैं, सभी यूपी के लोग हैं और जाने के लिए काफ़ी दिनों से अपने अपने हाथ पैर हर तरीके से मार रहे हैं, किधर जाएं क्या करें, कोई भी प्रशासन उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं कर रहा है। यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्या करें क्या ना करें, यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ पे प्रशासन एकदम घूसखोरी बता दू है, जहाँ भी जाओ पैसे दो तुम्हें भेजते हैं ऐसा कह के हमें वापस लौटा देते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता है, काम चालू नहीं है तो पैसे कहाँ से ला के दें उन लोगों को, तो ऐसी सिचुएशन है। आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं यहाँ पे? एक दिन में साहब बस 200 से 300-400 रुपये दिहाड़ी कमा लेते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हो गया तो आपके खाने का रहने का इंतजाम किस तरह चल रहा है? तो मैं बताऊं साहब आपको जानकारी के लिए, मैं सिर्फ 5 दिन पहले आया था, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से शायद चालू हुआ था, और मैं 5 दिन पहले आया था, तो आप सोच सकते हैं मेरी मजबूरियां कि मैं 5 दिन पहले आया हुआ बंदा यहाँ पे कितना कमा सकता था और यहाँ पे ऐसा कितना खर्च हो चुका है, 2.5 महीने होने जा रहा। तो आपसे पहले जो आए हुए हैं वो कितना काम करते थे यहाँ? कुछ भी काम नहीं किया साहब, सिर्फ हम लोग 4 बंदे आए थे अपनी जगह से, और बाद बाकी मैं कानपुर का हूँ और बाद बाकी लोग मेरे साथ के वो गोरखपुर के हैं। हम जो 4 लोग आए हैं वो चारों साथ एक साथ आए थे, और इसके बाद आपको समझ सकते हैं 5 दिन आए हुए बंदे को कितनी छूट मिल सकती है और कितना कमा सकता है एक आम नागरिक एक दिन में। आप पूरे लोग कहाँ, कौन से स्टेट से आए हुए हैं? पूरे यूपी के हैं? हाँ, प्योर यूपी के हैं। यूपी में पड़ा पड़ा कानपुर, यूपी कानपुर से हैं, और गोरखपुर भी दिख रहे हैं। गोरखपुर के मेरे भाई लोग हैं, इधर बड़े जितने भी सब गोरखपुर के हैं। तो ये अभी ये जितने भी गोरखपुर के हैं मैं बताना चाहूँगा, ये CM योगी आदित्यनाथ के लड़के हैं, वहाँ से वो 5 बार सांसद भी रहे हैं और आज फलता मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो इन लोगों की और हम बेचारों की कोई भी आवाज़ नहीं सुनने को तैयार है। ऐसे में श्री नारायण राव जी हम लोगों की आवाज़ बनके उभरे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वी नारायण वस्तु कल्याण के जो MLA हैं, आपसे क्या आश्वासन किया है वो? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन में आपको अपने किराए से फलता खुद अपने किराए से अपने पैसे से, अपने सोनिया गांधी जी ने जो आश्वासन दिया है कि जितने भी मजदूर फंसे हैं यहाँ पे उनको अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाना है, तो उसको उस कार्य को श्री नारायण राव जी बखूबी अंजाम देते हुए यहाँ पे, तो मैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक हमारे साथ युवा हैं जो बात करते हैं उनसे। नाम क्या है आपका? विजय कुमार पद्मपति। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? किराए पर काम करते हैं यहाँ पर। कितने दिन से यहाँ पे? लगभग 1.5 साल से हैं, लेकिन इसे 3 महीने से फंसे हुए हैं। तो अब जब से फंसे हुए हैं आपको खाने का रहने का फिर क्या प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम लोग रूम में कुछ भी नहीं है खाने के वास्ते। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। पूरे पूरे पुरुष हैं, महिला है, एक लेडीज भी है, 7-6 जेंट्स भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जिसके पास काम करें उन क्या वो आपको सहूलत दे रहे हैं खाने के लिए रहने के लिए? हाँ, खाने के लिए दे रहे थे पैसे। हाँ। लेकिन जो भी देते हैं वो तुरंत चढ़ा देते हैं अपने हथु पर। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जो भी कमाए थे सब खाने में चले गए। तो अभी हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। अभी आप जाना क्यों चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं, कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं हम लोग। लगभग 15-20 दिन से परेशान हो रहे हैं कि घर जाने के वास्ते, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ पर असलम भाई और टीटू भाई और रईस भाई ने तीनों और श्री नारायण जी हम लोगों के साथ भी हैं। तो यहाँ पे जो आप रह रहे हैं वो आपका डेली कितने कमाई होता है? अब तो इतने समय कुछ भी नहीं चल रहा है, काम एकदम बंद। जब काम चालू था जब कितना कमाते थे यार? जब काम चालू था तो एक दिन का पगार 350 था। अच्छा, अभी बसों कल्याण के जो MLA हैं आपको क्या आश्वासन दिए हैं? हमको ये आश्वासन दिया है कि हम तुम लोग को मंडियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। तो उसके लिए कुछ आपसे पैसा लिया जा रहा है कि पूरा मुफ्त में भेजा जाए? भेज रहे हैं। आप कहाँ से यहाँ बसों कल्याण से कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग यहाँ से गोरखपुर यूपी जाने वाले हैं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।